नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के राहतगढ़ में शेयर एंड केयर वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के सैयद सोहेल हसन के द्वारा पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं को पढ़ाने एवं कई प्रकार के कार्यों को सिखा करके आत्मनिर्भर बनाने का काम कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अभी इन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन की वजह से गरीब मजदूर लोगों के लिए भोपाल से डोनर्स के द्वारा डोनेशन इकट्ठा करके सेंटर के सुपरवाइजर द्वारा गरीब मजदूरी करने वाले लोगों की मदद की जा रही है। प्रत्येक महिलाओं को परिवार के हिसाब से मास्क एवं डिटॉल तथा खाद्य सामग्री के लिए प्रत्येक फैमिली के हिसाब से लगभग 500 रुपए वितरित किए जा रहे हैं। ये काम लगातार 4 दिनों से अनवरत चल रहा है, जो सागर, रायसेन और भोपाल जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रतिदिन लगभग 150 से 200 महिलाओं तक ये सहायता पहुंचाई जा रही है। वहीं सरकार के आदेशों का पालन करने की हिदायत देते हुए सोहेल साहब ने कड़े आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मदद देते समय लोगों को समझाएं, हमारी सरकार, पुलिस और डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात अपनी सेवा में लगे हुए हैं। हमें इनका साथ देना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर के राहतगढ़ से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। गरीबों में क्या वितरण किया गया जी? आज जो सोहेल सर के द्वारा भोपाल से और सभी डोनर्स ने जो भी सामान हमारे लिए यहाँ पे पहुँचाया, जैसे कि कपड़े गरीब लोगों के लिए और पैसे जो आज मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, और मॉक्स बांटे हैं, ग्लव्स बांटे हैं, पैसे दिए हैं और डेटोल साबुन दिए हैं, जिसकी वजह से कि ये लोग स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान रख सके और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखे। और जैसे कि आज बीड़ी बंद हो गई है तो गरीब भी स्थिति के लोग हैं, जो कि आज वो अपने खाने से मोहताज हैं, तो उन लोगों के लिए जो भोपाल से जो शेयर एंड केयर संस्था हम चला रहे हैं, तो सभी डोनर्स ने पहुंचाया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इन लोगों तक हम ये पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी कितनों को दिए गए हैं ये? करीब हम 3 रोज से ये काम कर रहे हैं और 2-2, 4-4 करके हम अभी तक 35 लोगों के लिए ये सामग्री पहुँचा चुकी है। अभी और भी बकाया है कि हो गए हैं? अभी बकाया है, वो जितने भी हमारे लिए मिलेंगे तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम सब लोगों तक जो भी हमसे बन सकता है हम वो पहुंचाएंगे। कितने पैसे दिए गए हैं? समथिंग किसी को 500, किसी को 400, जिस हिसाब से और जैसी फैमिली है उस हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। हेलो, मैं सोहेल, शेयर एंड केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी से। आज 30 मार्च 2020 से, और आप लोगों का मैं सभी डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसे घातक बीमारी के टाइम पर जो है उन गरीबों का साथ दिया और डोनेशंस देने में आगे आए। तो आज मालिक का शुक्र है, तकरीबन 150 से 200 लोगों को रोज जो है आप लोगों के डोनेशंस के जरिए इन लोगों को जो है पैसा पहुँचाया जा रहा है। तकरीबन 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक तो सागर डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर से राहतगढ़, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, सोनज डिस्ट्रिक्ट और भोपाल में, तो काफी कुछ पैसे जो है इन लोगों के अकाउंट्स में डलवा दिए जाते हैं या सेंटर्स पे पहुंचाए जाते हैं। जो हमारा सेंटर था राहतगढ़ के अंदर, वहां जो है हमारे सुपरवाइजर के जरिए हम लोगों ने जो है पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेंटर बनाया है। तो उसमें जो है 500 रुपए से लेके 1500 रुपए तक जो है हम अपनी फैमिली के हिसाब से, जरूरतमंद के हिसाब से लोगों को दे रहे हैं। ये जो कुछ भी पैसा दिया जा रहा है वो आप लोगों के डोनेशंस के जरिए दिए गए अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। और हमारे ऐसे टाइम के ऊपर जो है हमारी सरकार जो है, पुलिस और डॉक्टर्स जो है अपने 24 घंटे अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो खासतौर से हमारी ताकीद है अपने सेंटर्स के ऊपर या जिस पर डोनेशंस दिया जाता है कि उन लोगों को समझाएं जिन लोगों को डोनेशंस दे रहे हैं कि ऐसे टाइम पे जो है हमें उन लोगों का साथ देना है, उनकी सेवाओं में कंधे से कंधा मिलाकर और उनके सरकार के इंस्ट्रक्शंस को हमें मानना है, जिससे ये बीमारी कोई आगे ना बढ़े। तो मैं अब शेयर एंड केयर की तरफ से सोहेल और गरीबों की तरफ से जो है आप लोगों के जो डोनेशंस पहुंचे हैं उससे सभी डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप इन गरीबों के काम आते रहेंगे, जिससे इनका घर पे 2 वक्त खाना बने और आप लोग दुआओं में शामिल हो सके, आपका डोनेशन सही जगह के ऊपर पहुँच सके। शुक्रिया। पुलिस प्रशासन का सहयोग
जी हमारे लिए पूरा सहयोग मिल रहा है और हम पुलिस और डॉक्टर्स और जो भी इस बीमारी के चलते जो भी सपोर्ट कर रहा है हम सभी कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी। धन्यवाद। शेयर एंड केयर सोसाइटी की तरफ से आपको क्या क्या सहायता दी गई? मास्क दिया गया, डिटॉल साबुन और पैसे खर्चे के लिए। और सावधानी क्या क्या बताएं? साबुन से हाथ धोना, जैसे मुंह खोल कर नहीं चलना, नाक बंद रखना, मुंह बंद रखना, एक मीटर की दूरी बनाए रखना।